Welcome to the delivery of Sun Park to Suspect. Hello guys, ये देख सकते हैं अपर चेस्ट के लिए ये बेंच प्रेस इंक्लाइन बेंच प्रेस कर रहा है। ये इंक्लाइन बेंच प्रेस 15x3 रेपिटेशन करना चाहिए, 12x2 इन 10x1 रेपिटेशन करना चाहिए। ये इसने बहुत अच्छा अपर चेस्ट को मजबूत बनाता है। ये भी अपर चेस्ट के लिए है। ये इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस है, इसको 15x3 रिपीटेशन करना चाहिए, 12x3 रिपीटेशन और 10x1 रिपीटेशन करना चाहिए। इसने बहुत मजबूत बनाता है हम अपर चेस्ट के लिए। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ये ज़रूरी है करने के लिए। इसको बोलते हैं इंक्लाइन डंबल फ्लाई। ये भी 15x3, 12x2 और 10x1 रिपीटेशन करना चाहिए। इसने भी मजबूत बनाया था है अपर चेस्ट के लिए। ये सभी एक्सरसाइज अपर चेस्ट के लिए है। इसको बोलते हैं चेस्ट प्रेस। ये भी 15x3 रिपीटेशन करना चाहिए, 12x2 रिपीटेशन और 10x1 रिपीटेशन। वेट जब तुम लोग कंफर्ट मानते हो उसी अनुसार तुम वेट इसको लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। यस एक्सरसाइज को बोलते हैं डिक्लाइन बेंच प्रेस। ये भी 15x3, 12x2, 10x1 रिपीटेशन करना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ये डिक्लाइन बेंच प्रेस अपर चेस्ट के लिए बहुत शानदार से किया है मेरे भाई ने। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं डंबल पुलओवर। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, उस अपर चेस्ट के लिए बहुत कड़क एक्सरसाइज है। ये करना चाहिए, जब तुम लोग इस चेस्ट में ये एक्सरसाइज ऐड जरूर करना है।
ये 15 × 3 12 × 2 और 10 × 1 रिप्रेजेंट करना चाहिए। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं बटरफ्लाई मशीन। ये भी एक अच्छा एक्सरसाइज है, ये अपर चेस्ट के लिए और चेस्ट अपर और लोअर दोनों ही चेस्ट के लिए ये अच्छा एक्सरसाइज है, ये जरूर करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। ये अंतिम एक्सरसाइज है अपर चेस्ट के लिए, इसको बोलते हैं मिडल केबल क्रॉस बार। ये भी 15 × 3 12 × 2 रिपीटेशन करना चाहिए, वेट तुम आवश्यक अनुसार ले सकते हो। Thanks for watching Valley Vibe Vlogs. Don't forget to subscribe.